नमस्कार, न्यूज टुडे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्वेश तिवारी। वक्त हो चुका है उत्तराखंड से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। भगवान मधमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश रवाना। द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मधमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से कैलाश के लिए रवाना हो गई है। भगवान मधमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश रवाना होने पर सैकड़ों भक्तों ने पुष्प अक्षतों से विदा किया तथा लाल पीले वस्त्र अर्पित कर क्षेत्र के खुशहाली व विश्व समृद्धि की कामना की। भगवान मधमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए आज रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचेगी तथा रविवार को अंतिम रात्रि प्रवास के लिए मधमहेश्वर यात्रा के आधार शिविर गौंडार गांव पहुंचेगी तथा 22 मई को भगवान मधमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के मधमहेश्वर धाम पहुंचने पर भगवान मधमहेश्वर के कपाट सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में वेद रचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में आज वंदना सिंह ने जिलाधिकारी का चार्ज ग्रहण कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती रहेंगी। नैनीताल के जिला कलेक्ट्रेट में शनिवार सवेरे नव नियुक्ति जिलाधिकारी वंदना सिंह ने चार्ज संभालने के बाद पत्रकार वार्ता की। वंदना ने पहले मीडिया की गैर मौजूदगी में जिलाधिकारी का चार्ज लिया। बेहद रिजर्व प्रवृत्ति की प्रशासनिक अधिकारी वंदना ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पर्यटन सीजन को लेकर वह बैठक करेंगी और जो भी समस्याएं पार्किंग ट्रैफिक या अन्य परेशानियों को लेकर आएंगी उनका समाधान किया जाएगा। नवनियुक्त जिलाधिकारी ने कहा कि अल्मोड़ा एक पूर्ण पहाड़ी जिला था लेकिन नैनीताल में पहाड़ और मैदान का समागम है, इसे उसी तरह से मैनेज करना होगा। इसके अलावा वंदना ने कहा कि पिछले अधिकारियों के लोकप्रिय सौंदर्यकरण योजनाओं को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर SDM प्रशासन शिवचरण द्विवेदी, ADM वित्त अशोक जोशी, जिला सूचना अधिकारी ज्योति सुंदरियाल आदि मौजूद रहे। न्यूज टुडे से नीरज कुमार की रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स के संबंध में अभी भारत सरकार से भी DMs को भी और राज्य सरकार को भी लूप में लेते हुए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अभिलेख मांगे जा रहे हैं। जो निर्णय होगा वो जो कस्टोडियन शत्रु संपत्ति है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के अनुसार उन्हीं के माध्यम से लिया जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स और जो कंप्लायंसेस जनपद के स्तर से मांगी गई है मैं कोशिश करूंगी कि उनको ससमय हम लोग पहुंचाएं। 18वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन हुआ पूरा। राजभवन नैनीताल गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित 18वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज 3 युवा गोल्फरों सहित कुल 56 गोल्फरों ने अपने हाथ आजमाए। गौरतलब है कि शुक्रवार को टूर्नामेंट के पहले दिन 58 गोल्फरों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया। राजभवन गोल्फ कोर्स में देश के विभिन्न हिस्सों से आए गोल्फ टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे हैं गोल्फरों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस तरह के गोल्फ कोर्स में खेलने का एक अलग ही आनंद है। यहाँ आकर वे गोल्फ के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का भी आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाओं और आवाभगत से भी वे सभी प्रभावित हुए हैं। प्रतिभाग कर रहे गोल्फरों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से राजभवन गोल्फ कोर्स में खेल रहे हैं। यहाँ खेल कर उन्हें एक अलग ही अनुभूति की महसूस होती है। My name is Nikhil Alva. मैं इस कोर्स पे पिछले 10 साल से मैं आके खेल रहा हूँ। गवर्नर्स कप 2-3 बार खेल चुका हूँ। ये बहुत ही मजेदार कोर्स है और इसका मेंटेनेंस जो है खुशी हो रही है देख के कि इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है और यहाँ पे आके खेलने में बहुत ही मजा आता है। माई नेम इज अरुण किशोर। आई एम फ्रॉम देहरादून। माई होम कोर्स इज फ्रेमा एंड वी प्लेड दिस टूर्नामेंट एंड वी एंजॉयड अ लॉट ऑफ ओवर हियर। वी मेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर हियर। So it was a very well organized and very nice. मेरा नाम जगदीश बेलवाल है। मैं मूल रूप से पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं हल्द्वानी हूँ रिटायरमेंट के बाद। और ये गोल्फ मैंने 2004 यहीं से शुरू किया है गोल्फ खेलना। तो हर व्यक्ति, हर गोल्फर इस देश का वो जानता है कि गवर्नर्स गोल्फ का कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये तो अपने उत्तर उत्तर बढ़ता ही चला जाएगा, ये कमी नहीं होगी। अजय चौधरी कानपुर से आया हूँ। इतना बढ़िया कोर्स, इतनी बढ़िया एनवायरनमेंट, किसी ने इसको बनाया है
बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के, बहुत अच्छा लगा यहाँ खेल के। हर एक साल आने का कम से कम एक या दो बार मन कर रहा है। लेट्स होप यहाँ आते रहूँगा और इस कोर्स को एंजॉय करता रहूँगा। ब्रेक फेल होकर घर में घुसा रोलर, बड़ा हादसा होने से टला, लाखों का नुकसान। ऋषिकेश में रेलवे रोड पर गुरुद्वारा सिंह सभा के निकट अचानक पीडब्ल्यूडी विभाग के रोलर के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होते ही रोलर ढलान पर बैक होकर दौड़ने लगा। अनियंत्रित होकर रोलर एक घर में जा घुसा। इस दौरान घर के बाहर बैठी मकान मालकिन देवंत कौर की मां और भाई की जान बाल बाल बच गई। नजारा देख लोगों की भीड़ घटनास्थल पर एकत्रित हो गई। घर का नुकसान होने पर मकान मालिक आक्रोशित नजर आई। मौके पर रोलर का ड्राइवर फरार हो गया। कुछ देर बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता राजेश चौहान और कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार पहुंचे। उन्होंने घटना की बारीकी से निरीक्षण किया। मकान मालकिन को भरोसा दिया कि उनके मकान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। जिसके बाद मकान मालकिन का आक्रोश शांत हुआ। सहायक अभियंता राजेश चौहान ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग का सरकारी रोलर G20 के कार्य को पूरा करने के लिए जा रहा था। इस दौरान ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। निमित रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल मकान मालिक को लिखित रूप से पत्र देकर बता दिया गया है कि जल्द ही उनके क्षतिग्रस्त मकान की रिपेयरिंग करा दी जाएगी। मेरी माँ बूढ़ी बाहर बैठी रहती है, मेरा भाई भी दोनों मरने से बच गए और इलाका रुक गया। ये कैसे आया? चढ़ाई पे चढ़ के गया, ढलान से आया, पसे आया, ये भी चला। कब का हम सब घर अंदर थे। कब का मामला है? अभी आधे घंटे। कितना नुकसान होगा? हो गया होगा 1 लाख होगा बाबू जी, 5-6 लाख का। ऐसे ही उत्तराखंड से जुड़े प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।